हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सीरियल अनुपमा में मुख्य किरदार प्ले कर रही अनुपमा यानी रूपाली गांगुली वर्मा के बारे में। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे सीरियलों में काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा पहचान इनको अनुपमा सीरियल से मिली। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूपाली गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1977 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक बंगाली परिवार में हुआ। एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से टेलीविजन और थिएटर में अपने काम के लिए जानी जाती है। 2021 में इनकी एज 44 साल की है। होम टाउन इनका मुंबई महाराष्ट्र है। नेशनलिटी से एक इंडियन है और रिलीजन से एक हिंदू है। इनका जोराविक साइन है अराइज। आइए बात करते हैं उनकी फैमिली के बारे में। इनके फादर का नाम अनिल गांगुली है, यह प्रोड्यूसर डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर है। इनकी मदर का नाम रजनी गांगुली है, वह एक प्रोड्यूसर है। इनके ब्रदर का नाम विजय गांगुली है, वह एक्टर और प्रोड्यूसर है। मैरिज की बात करें तो उन्होंने अश्वनी के वर्मा से 6 फरवरी 2013 को शादी कर ली। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है रुद्रांश वर्मा। आइए बात करते हैं इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट और थिएटर। आइए बात करते हैं इनकी फिजिकल अपीयरेंस की। इनकी हाइट 5 फीट 1 इंच है, वेट 58 kg है। फिगर मेजरमेंट है 36 28 36। हेयर कलर ब्लैक है, आइज कलर ब्लैक है। तो चलिए बात करते हैं उनके करियर के बारे में। रूपाली गांगुली वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म साहब 1985 में की थी। वह मूवी उनके फादर ने डायरेक्ट की थी। इसके बाद इन्होंने बलिदान में भी एक चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका निभाई। साल 2000 में इन्होंने सुकन्या टीवी शो से टेलीविजन पर अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने अनेक टीवी शो में काम किया, जैसे कि जिंदगी तेरी मेरी कहानी, संजीवनी में डॉक्टर सिमरन का किरदार प्ले किया, इसमें उन्होंने नेगेटिव भूमिका निभाई। 2004 में भाभी, 2004 से 2006 में साराभाई विशिष्ट साराभाई, 2004 से 2005 में रात होने को है, 2005 में काव्यांजलि, 2005 से 2010 तक बाँ बहू और बेबी, 2005 से 2007 तक कहानी घर घर की, 2006 से 2007 तक बिग बॉस, 2007 से सपना बाबुल का विदाई, 2008 में एक पॉकेट उम्मीद, 2008 में ज़रा नच के दिखा, 2009 में आपकी अंतरा, फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 2, किचन चैंपियन 2010, 2010 में मीठी छुरी नंबर 1, 2011 में अदालत, मुझे मेरी फैमिली से बचाओ, 2011 से 2013 तक परवरिश कुछ खट्टी कुछ मीठी, 2013 में बायोस्कोप, 2017 में साराभाई विशेष साराभाई सीजन 2, 2018 से 2020 में कसौटी जिंदगी की, 2021 में अनुपमा। टीवी के अलावा इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि सतरंगी पैरासूट, दो आंखें 12 हाथ, अंगारा, मेरा यार मेरा दुश्मन। आइए बात करते हैं इनकी फेवरेट थिंग्स के बारे में। फेवरेट सिंगर हैं सुनिधि चौहान, लता मंगेशकर। फेवरेट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित। फेवरेट एक्टर है सलमान खान। फेवरेट फूड है पिज़्ज़ा दाल फ्राई बटर चिकन। फेवरेट ब्रांड है गुची। फेवरेट स्पोर्ट्स है क्रिकेट। फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर है रोहित शर्मा। फेवरेट प्लेस है दुबई गोवा। आइए बात करते हैं इनके इनकम्स और नेटवर्थ के बारे में। इनकी सैलरी 60,000 रुपये पर एपिसोड है। नेटवर्थ है इनका 10 लाख से 60 लाख रुपये। आइए बात करते हैं उनकी कार कलेक्शन के बारे में। उनके पास महिंद्रा थार, होंडा सिटी, BMW X5 जैसी कारें हैं। आइए बात करते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। इनको इंडियन टैली अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल 2004 संजीवनी के लिए, इंडियन टैली अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल 2005। इनकी हॉबीज़ हैं डांसिंग एंड ट्रेवलिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों।